आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने की जो सामर्थ है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं इफ यू रीड रीड्रेड एंड सेवन एंड एक सौ सात वचन एक अगर आप पढ़े तो बाइबल कहती है गिव थैंक्स द लॉर्ड फॉर ही इज गुड थ का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी हिस्स मर्सीवर यहुआ का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है इट से यू गिव थैंक्स लॉर्ड यू आर अ गुड गाड यह कहता है कि आप धन्यवाद दे ये कहते हुए कि प्रभु तू भला परमेश्वर है एंड सेकेंडली इट सेस यू गिव थैंक्स टू गॉड मर्सीफुल फुल ऑफ क्राइस टू शो योर गुडनेस टू मी और फिर ये कहता है कि यहुआ का धन्यवाद कर ये कहते हुए कि प्रभु तू भला है तू दयालु है तूने अपनी करुणा मुझ पर प्रकट की है। As you do that, और जैसे आप इसे करते जाते हैं की भलाई, की भलाई आपके ऊपर में आएगी और वो दिखाएगा कि वो आपके लिए भला परमेश्वर है you say, you आप जो कुछ भी कहेंगे वो आपको मिल जाएगा

तो आपको बिल्कुल वही मिलेगा यू विल गेट द गुडनेस ऑफ गॉड एंड यू विल एंजॉय हिज मर्सी as you give thanks for being a good god to you recognizing his goodness और जैसे कि आप उसकी भलाई को पहचानते हैं उसे कहते हैं कि प्रभु तू भला परमेश्वर है तो आपके जीवन में बिल्कुल वही होगा in faith say today lord you're a good god and you're merciful शो मी और गुडनेस आप निश्चय विश्वास से कहें कि परमेश्वर तू भला परमेश्वर है और तू दयालु है कि अपनी भलाई मुझ पर दिखाता है And all the of God shall flow into you. और परमेश्वर की सारी भलाई आप में बहती चली जाएगी यू हैथिंग हमें कोई भी कमी नहीं होगी There was अ little गर्ल who टू स्पेंड हर her विद हर her grandfather. एक छोटी लड़की थी जो अपने दादाजी की यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए गई थी you know, wicked, wicked <laughs> जानते हैं उसके दादाजी बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे और वो तो सच में बहुत ही कठोर ऐसे व्यक्ति थे वो किसी का आदर नहीं करते थे सबसे कठोरता का व्यवहार करते थे ही वुड नेवर केयर फॉर द अदर्स नेवर केयर फॉर देयर प्रॉब्लम्स नेवर बी कंपैशनेट वो कभी दूसरों की परवाह नहीं करते थे उनकी समस्याओं के बारे में कभी सोचते नहीं थे कुछ भी नहीं करते थे He was selfish। वो तो सच में बहुत ही कठोर ऐसे व्यक्ति थे बट दिस लिटिल गर्ल नेवर नोइंग हिज ट्रेट एज़ सून एज़ शी सॉ हिम She ran towards him and clung on to his neck and kissed him. And this grandfather was so shocked to enjoy love in his life from somebody for the first time. जी he didn't want to leave her. He did everything possible to make her happy. उसे खुश करने के लिए दादाजी ने हर एक संभव कोशिश की गाट हर आइसक्रीम उसके लिए आइसक्रीम खरीद कर दी टू गेट टू दार्क उसे पार्क में लेकर गए रेड हर बेड टाइम स्टोरी उसके लिए सोने के समय की कहानियां वो पढ़ते चले गए गॉट हर बेस्ट डॉल्स और उसके लिए सबसे सुंदर ऐसी गुड़िया लेकर आए द लिटिल गर्ल और इस छोटी सी बच्ची ने कहा दादाजी नो एवरी वन शुड बी सेंगे यू आर अ गुड मैन मैं जानती हूं कि सभी लोगों को यही कहना चाहिए कि आप तो सच में एक बहुत ही अच्छे और भले व्यक्ति यू आर सो गर्ड आप तो इतने अच्छे हैं यू आर सो लविंग आप तो बहुत ही प्यारे हैं यू आर सो कंपैशनेट आप इतने करुणामय व्यक्ति हैं एंड यू आर सो स्वीट और आप इतने मधुर व्यक्ति हैं द गर्ल वेंट बैक टू हर होम आफ्टर द हॉलीडेज और छुट्टियों के बाद में वो छोटी बेटी अपने घर लौट गई एंड यू नो ट्रूली दिस ग्रैंड फादर बिकेम लिटिल गर्ल सेट और जल्दी ही ये दादाजी सच में वैसे बन गए जो कुछ भी उस छोटी बच्ची ने उनसे कहा था होल लाइफ चेंज्ड उनका पूरा जीवन बदल गया एंड गुडनेस स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू हिम टू अदर्स और उनके द्वारा दूसरों के लिए मानो भलाई बहती चली गई एवरी वन से गुड मैन इन दी और सभी ने इस तरह से कहा कि अब ये सच में बहुत ही भले व्यक्ति हैं मे गॉड गिव यू दिस ग्रेस टू थैंक हिम फॉर गुडनेस ओवर एवरी सरकम एट ईच सिचुएशन एंड ट्रांसफॉर्म यू इनटू द इमेज ऑफ गॉड परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करे कि हर एक परिस्थिति में वो आपको अपने स्वरूप में बदलता चला जाए और आपके जीवन के द्वारा वो भलाई उत्पन्न करते जाए पिता हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि हम आपकी भलाई को लेकर चलने वाले हम पर यह अनुग्रह कीजिए प्रभु कि हम आपको धन्यवाद देने वाले बने और कहें कि आप भले परमेश्वर हैं आप हमें भलाई ही देते हैं रिमूव एवरी सारो एवरी चिल्ड्रन And fill them with thy goodness, Lord. In Jesus' name we pray.